नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बिहार में सरकार नहीं सकस चल रहा है, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। रिपोर्ट नवीन कुमार सिंह, सहदेई बुजुर्ग। बिहार में सरकार नहीं सकस चल रहा है, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। राज्य में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई, इन सबों की कोई व्यवस्था राज्य में नहीं है। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज और दवा नहीं मिल रही है। इलाज के नाम पर केवल उन्हें पटना रेफर किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थियों को पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। नीति आयोग के सभी सूचकांकों में बिहार निचले पायदान पर है। यह बात बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही। वह बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन के उम्मीदवार सुबोध कुमार राय के समर्थन में सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के गांधी उच्च विद्यालय स्थित खेल मैदान में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ब्लॉक में बिना चढ़ावा कोई काम नहीं हो रहा है। एक बार हम कहते हैं कि भाई बच्चे